नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। झांसी की मऊरानीपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मिलोनी में ग्राम पंचायत पद का प्रत्याशी निर्विरोध होने पर ग्रामवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए जमकर गुलाल उड़ाई। जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मिलोनी से प्रधान पद हेतु भिकम सिंह यादव, रामस्वरूप यादव, नितेश मौर्य ने पर्चे दाखिल किए थे, जिसमें नाम वापसी के दौरान रामस्वरूप यादव एवं नितेश मौर्य ने अपने पर्चे वापस ले लिए, जिससे भिकम सिंह यादव निर्विरोध निर्वाचित किए गए। भिकम सिंह यादव का निर्विरोध निर्वाचित होने पर ग्रामवासियों ने दूसरे को गुलाल लगाकर जमकर खुशी मनाई। आज जो आप लोगों ने आज नामांकन के यहाँ जो आप लोगों का पर्चा था, आज आप लोगों को वहाँ पे चुनाव चिन्ह मिल रहा था, तो आप लोगों का कैसा रहा आज आपके यहाँ की प्रधानी का? आज जो हम लोगों ने ग्राम मेलोनी लखीसर के सभी गाँव वासियों ने मिलकर एक कदम उठाया है कि अगर एक ऐसा निर्णय हो जाए कि सब लोग अपने वापस ले लें, एक ही प्रत्याशी को प्रधान चुने, तो हम सभी तीनों जनों की सहमति से निर्णय लिया और पूरे गांव की सहमति से निर्णय लिया, इसलिए ये कदम उठाया कि निर्विरोध चुनाव होना चाहिए। तो ऐसा आप लोगों ने कैसा, कौन सा ऐसा व्यक्ति रहा है जिसको आप लोगों ने चुना है पूरे गांव वालों ने? भाई ऐसा है कि मान लीजिए भिकम सिंह यादव को हम लोगों ने चुना है, अच्छा व्यक्ति है, नया लड़का है, आगे सोच बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कहा कि चलो भाई अच्छे कार्य करें और आगे बढ़े। तो आज आप क्या कहेंगे इनके लिए, जो आज निर्विरोध घोषित हुए हैं प्रधानी के लिए, तो इनके लिए क्या कहेंगे आपको? हम तो इनके लिए यही कहते हैं कि बेटा हम लोगों ने जो कदम उठाया है उसी के हम सब ग्रामवासियों की ओर से और सब ग्रामवासियों की तरफ से अच्छे बढ़िया कार्य कराएं, आप मिलकर चलें सबसे, किसी से कोई लड़ाई ना झगड़ा ना कोई ऐसी कोई समस्या आए सामने, इसलिए अच्छे कार्य के लिए आपको हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। आज आपको पूरी सहमति से ग्रामीणों ने आपको प्रधान चुन लिया है वोटिंग के पहले ही, कैसा लग रहा है आपको इस बार? सर हमें तो ऐसा लगा कि ग्रामवासी नहीं सब हमारे घर के हैं और सबने हमें अच्छा व्यक्ति मानते हुए सब लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है और चुना है, और हम चाहते हैं इन चाचा ने और भाई साहब ने पैसा वापस लिया हमारी ओर से कि भाई तुम ही आगे हो और गांव वालों हैं तो उनने भी आशीर्वाद दिया है कि तुम ही जो काम है वही तुम ही करो। आगे क्या रहेगी आपकी रणनीति? सर हमारी ये रहेगी कि हम अच्छा कार्य करें और सबकी सहमति से कोई हमसे परेशान ना हो। तो अपने क्या कहना चाहते हैं आप? सर धन्यवाद करना चाहते हैं हम।